What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. आज है 7th of April और आज काफी इंपॉर्टेंट डे है. आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में. और अब की बार की थीम देखिए कितनी शानदार है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर. हर एक इंसान को हेल्थ कवरेज के अंडर में लेके आना है हम लोगों को. हर एक इंसान को जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करानी है. इसीलिए स्लोगन भी यहाँ पर कुछ ऐसे ही रखा गया है, हेल्थ फॉर ऑल. हर एक इंसान के लिए हेल्थ की फैसिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए. इंपॉर्टेंट क्यों है अब की बार ये कुछ स्पेशल डे? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब की बार ये 70th anniversary यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि दिस ईयर सेलिब्रेट की जा रही है. और फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी 1948 में हुई थी, ठीक है. तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं. इसके अलावा देखिए डे कोई भी होता है वो जस्ट एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि ऐसा भी कुछ होता है. और सबसे बड़ा जो फोकस है यहाँ पर जो दिया जा रहा है आपकी बार, ये बात बोली जा रही है कि ग्लोबल के लीडर को मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2015 से पिक्चर में आए थे, स्टेप बाय स्टेप जो हेल्थ से रिलेटेड है उन पे हम लोगों को आगे बढ़ना है. ओके, क्या है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एक बार हल्का सा नजर डाल लेते हैं. ये है गोल नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग. तो ये वाला कम से कम आप लोग अब की बार याद रखेगा एक एक करके. वैसे मैं सब में को निकल चुका हूं, कई बार आप लोगों को लेक्चर यहां पर ले चुका हूं इनसे रिलेटेड. तो हम लोग पॉवर्टी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हंगर के बारे में देख चुके हैं, इन्वायरमेंट के, वाटर के बारे में. तो ये कम से कम आप लोग अगर कोई आंसर लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, ये अगर पॉइंट एक बार वहां पर डाल देंगे ना कि अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर इतना, तो उसको लगेगा कि हाँ पता है बंदे को, ठीक है. तो इस तरीके से आप लोगों को लेके चलना है. तो अब का जो फोकस है कि किस तरीके से वर्ल्ड के सब लीडर मिलकर यहां पर 2030 तक जो भी प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड उनको कवर कर पाते हैं, उनको एक मिनिमम लेवल पर लेकर आ पाते हैं. तो इस पर फोकस दिया जाएगा अब की बार का जो वर्ल्ड हेल्थ डे है जो कि 7th of April को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. थीम वगैरह याद रखिएगा, स्लोगन भी पूछा जा सकता है. और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थोड़ा क्या हो गया, ये 70th anniversary है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हल्का सा फोकस जरूर दीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पर वीएस ओबेरॉय कमेटी. इसके बारे में आप लोगों को जरूर आइडिया होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में थी. किसके द्वारा गठन किया गया कमेटी का? यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके द्वारा जो मिनिस्ट्री है ये इसका गठन किया गया. इसलिए थोड़ा रुक रुक के बोला क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हल्का सा याद रखेगा. देखिए जब मैं आवाज को ऊपर नीचा, कभी धीमा, कभी टाइट या कभी कुछ फनी वे में करता हूं, सीधा सीधा पर्पज मेरा ये होता है कि आप लोग अगर कहीं पर भी वो क्वेश्चन देखे ना कि हाँ कि सर ने तो ऐसा बोला था, तो आप लोग उसको कनेक्ट कर पाए. तो इसीलिए यही तो होता है फायदा लेक्चर का, वरना किताबों में भी चीजें लिखी हुई है. मैं पिच को ऊपर नीचे कर देता हूं, कभी थोड़ा सा टाइट बोल देता हूं, किसी चीज पर हंस देता हूं, तो आप लोगों को ये याद रहता है. कहीं पर थोड़ी बहुत गलती कर देता हूं तो आप लोगों को ये याद रहता है कि वहां पर सर हंसे थे, अच्छा वो ये था, यहां पर रुक के बोले थे, यहां पर हाई पिच में बोले थे, यहां पर गलती हो गई थी. तो उससे क्या रहता है कि आप लोगों को ना पॉइंट याद रह जाते हैं फिर. ओके, तो थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ाई करेंगे तो आप लोग काफी और शानदार तरीके से लंबे समय तक याद रख पाएंगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीजों को. ओके, तो यहां पर अभी देख सकते हैं आप लोग, इस मिनिस्ट्री को देखिएगा, इसके द्वारा ये सेटअप की गई थी. अभी हुआ क्या, 10th और 12th दो इंपॉर्टेंट जो क्लास होती हैं उनके क्वेश्चन पेपर लीक हो गए. 10th का हो गया मैथमेटिक्स का और 12th का हो गया इकोनॉमिक्स का. तो दोनों पेपर यहां पर लीक हो गए. फिर बोला गया पहले तो कि हम पेपर फिर से रिकंडक्ट कराएंगे. तो अभी जो रिकंडक्ट कराने की बात कर दी है, 12th का इकोनॉमिक का तो यहां पर कंडक्ट कराने की बात करी है April 25th पर, लेकिन जो यहां पर बात चली थी मैथ का कराने की उसमें अभी यहां पर संख्या के बादल मंडरा रहे थे, इन्होंने मना कर दिया लगभग, आप लोग ये बोल सकते हैं कि हम इसको कंडक्ट नहीं कराएंगे. तो अभी जो यहां पर कमिटी सेटअप की गई है वो ये देखेगी कि जो सीबीएसई जो एग्जाम कंडक्ट कराती है ना उसमें किस तरीके से उनको शांति के तरीके से कराया जा सकता है ताकि कोई भी झोल मोल यहां पर न देखने को मिले. क्योंकि देखिए एक तो बच्चे होते हैं उस लेवल पर और अगर वो इतने अच्छे से तैयारी करके जाते हैं और फिर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है निकलकर, तो बहुत गलत इंपैक्ट पड़ता है. ठीक है, बहुत हिम्मत से ये काम किया जाता है. तो जो रिपोर्ट सबमिट करने वाली है ये 31 मई तक ये सबमिट करने वाली है मिनिस्ट्री को रिपोर्ट. तो देखिए रिपोर्ट में क्या क्या बातें देती है, क्या क्या गाइडलाइन निकल के आती है, उसके बेस पर फिर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, वो सारी बातें आप लोगों के सामने होगी. तो कमेटी और किसके द्वारा सेटअप की गई है, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से निकल के आते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पर स्कीम, ये है रूपाश्री. रूपाश्री स्कीम या योजना आप लोग बोल सकते हैं. रूपाश्री योजना स्टार्ट की गई है किस गवर्नमेंट के द्वारा? क्वेश्चन पहला बनता है कि रूपाश्री जो योजना है वो किससे रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 2 बनता है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है. तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किससे रिलेटेड है. जो भी यहां पर जो पुअर लोग हैं, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है सेक्स सोसाइटी का हमारा, उनके लिए यहां पर ये योजना लॉन्च की गई है ताकि अगर वहां पर कोई गर्ल है तो उस लड़की की शादी कराई जा सके. क्योंकि देखिए घर कई बार इतने गरीब होते हैं वो अपनी बेटी की शादी ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा तो कोई एक बहुत अच्छा आप लोग देख सकते हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट पे देखने को मिलेगा ये. ओके, तो यहां पर जो पूरी स्कीम है ये 1500 करोड़ रुपए की है और जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जिनकी इनकम 1.5 लाख से नीचे है उनको
25,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड यहाँ पर कराया जाएगा। उसके लिए क्या करना है उनको, उनको सीधा सीधा जाना है लोकल जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जिसको BDO हम बोलते हैं, वहां पर जाकर उसको जाकर अपना जो वहां पर रजिस्टर कराना है एक तरीके से बोल सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन देना है। उसके बाद में जो पर्सन है उसके अकाउंट में 25,000 रुपए यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। कितना यहाँ पर, ये यहाँ पर बजट कितना है, ये है 1500 करोड़, ठीक है। कितना यहाँ पर दिया जाएगा, 25,000 रुपए दिया जाएगा जिसकी इनकम 1.5 लाख तक की हो, ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के जाकर यहाँ पर उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा और फिर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ये है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की स्कीम। हल्का सा मैप में निहार सकते हैं, ये हो गया वेस्ट बंगाल यहाँ पर, ठीक है। देख सकते हैं उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ऊपर सिक्किम हो गया, यहाँ पर आसाम हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है। मेघालय आगे, मेघालय टच नहीं करता है, ठीक है। यहाँ मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, तो ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना, कई बार कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में रहता है, दो चार बार मैप में इसे निकल जाएंगे अच्छे से, तो फिर चीजें आप लोगों को अच्छे से याद रहने लगेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से झोलमोल आज की डेट में हमारी सोसाइटी में हो रहा है, खासकर कंपनी जो है कई तरीके उल्टी सीधे हरकतें करती हैं, कई बार अपने आप को इंसॉल्वेंस घोषित कर देती हैं, उसकी वजह से काफी पैसा भी मर जाता है, जो कि लोन लिया होता है वो एनपीए बन जाता है, तो ये हरकतें देखने को मिल रही है। तो जो NCLT है, जिसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से हम लोगों ने पॉलिटी में डिस्कस किया था ना, क्या था पॉलिटी में डिस्कस किया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जिसको बोलते हैं हम लोग, डिटेल में डिस्कस किया था, ओके। जाकर लेक्चर देख सकते हैं, पॉलिटी के सारे लेक्चर वीडियो के नीचे मिल जाएंगे कि क्या ट्रिब्यूनल होता है, किस तरीके से वर्क करता है, वो सारी बातें आप लोगों के सामने होगी। तो यहां पर इसी तरीके से ये भी एक ट्रिब्यूनल है जो कि कंपनी से रिलेटेड मैटर देखता है। अगर कोई यहां पर कम, कितने भी यहां पर आप लोग देखते हैं, बहुत सारे केसेस आज की डेट में आ रहे हैं, इसकी वजह से इसके ऊपर लोड बढ़ गया है बहुत ज्यादा, तो यहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसकी और ज्यादा ब्रांच खोलने की बात कर रही है। करंटली आज की डेट में 11 यहां पर NCLT वर्क कर रहे हैं कंट्री में टोटल, और अगर हम लोग पूरी इंडिया में मिलाकर चले तो, और ज्यादा ब्रांच खोलने की बात की जा रही है। आखिर किसके बेस पर काम करता है ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जिसको NCLT बोला जा रहा है, यहां पर ये काम करता है कंपनी एक्ट 2013 के बेस पर, ठीक है। यहां पर देखने को मिलेगा इसके हिसाब से, यहां पर जो कंपनी गवर्न की जाती है उसके हिसाब से जो भी यहां पर लाभ बनाए जाते हैं, अगर कोई झोलमोल होता है, किस तरीके के झोलमोल की बात की जा रही है। देखिए कई तरीके झोलमोल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सबसे पहले तो मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है कई बार, ठीक है। कई तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कंपनी होती है वो क्या करते हैं, अपना एक तरीके से ये दिखा के कि दिवालिया घोषित हो गए हैं, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं, एनपीए बन जाता है, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार, उसकी वजह से रिवाइवल नहीं हो पाता है, सिक कंपनी हो जाती है, मतलब कंपनी घाटे में जाने लगती है, उनको रिवाइव करने के लिए उनके ऊपर पैसा, उनके पास से पैसा नहीं होता है, ठीक है। तब भी कई बार आप लोगों को इस तरीके की हरकतें देखने को मिलती है। कुछ तो पॉजिटिव चीजें होती हैं, कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं, नेगेटिव चीजें में कुछ जेन्युइन चीजें होती हैं और कुछ बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती है कि उनमें कोई जेन्युइनिटी आप लोगों को नजर आएगी, मतलब धोखा देने के लिए किया जाता है, मालवीय टाइप के लोग बन जाते हैं, तो ये हरकतें भी की जाती है। तो इसकी वजह से कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है और जो मैटर लंबे लंबे समय तक पड़े रहते हैं, तो उनको सोल्व करने के लिए यहां पर इसका गठन किया गया था। NCLT को जो रिकमेंड किया गया था, यह जस्टिस इराड़ी कमिटी, इसके द्वारा यहां पर NCLT का यहां पर रिकमेंडेशन किया गया था कि अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो किस तरीके से उसको वाइंड अप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए आज की डेट में आप लोग ये समझिए, मान लीजिए कोई कंपनी खोलनी है, ठीक है, तो कंपनी में मान लीजिए कल आगे चल के बंदे की कंपनी बैठ गई, कंपनी बर्बाद हो गई, तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता था वहां से, ठीक है। कई तरीके उल्टी सीधी हरकतें थी, ब्यूरोक्रेटिक कई सारे ऑर्डर थे यहां पर, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी, तो उसको भी यहां पर सोल्व करने की बात की जा रही थी कि हाँ इसको थोड़ा आसान बनाओ, कि घुसना जितना आसान हो निकलना भी उतना ही आसान हो, मतलब चक्रव्यूह नया बनाया इसको, एक बार घुस गए तो फिर निकला ही नहीं जा रहा है, अभिमन्यु की तरह अंदर ही मर जा रहा है इंसान, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो यहां पर आसानी से तभी तो इंसान आकर यहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको लगे कि यार कल को कोई अगर उल्टी सीधी हरकतें हो गई तो कम से कम छोड़ के निकल जाए, ऐसा ना हो कि यार उसको बर्बाद हो रहे हैं फिर भी बोझ लेकर होके चल रहे हैं आगे। तो ये सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए यहां पर NCLT आप लोगों के सामने है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें चेंज करने की बात की जा रही है, इसलिए इससे रिलेटेड आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ सकता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बात की जा रही है, आज की डेट में यहां पर एक मेंबर है, वो एक चेयरपर्सन है और 6 मेंबर है, टोटल मिला के 7 मेंबर है। तो 7 मेंबर को घटा के यहां पर 4 मेंबर का करने की बात की जा रही है। 4 मेंबर में कौन होगा, एक चेयरपर्सन होगा और 3 यहां पर मेंबर होंगे, तो टोटल मिला के विद चेयरमैन 4 मेंबर यहां पर रहेंगे। ये बात बोली जा रही है कंपटीशन कमीशन में, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें चेंज करने की। तो इंपॉर्टेंट है, 7 से 4 मेंबर करने की बात की जा रही है, 3 को निकालने की बात की जा रही है, ओके। अगर बात करें कंपटीशन एक्ट 2002 के हिसाब से यहां पर हम लोग चले, तो उसके हिसाब से आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या बात बोली गई है। जो कमीशन है यहां पर, ये एक तो चेयरपर्सन रख सकता है
और नॉट लेस देन टू मेंबर, मतलब दो मेंबर तो कम से कम होने चाहिए। कहने का मतलब यह है टोटल में तीन इंसान तो यहां पर होने ही होने चाहिए विद चेयरमैन, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकते। और मैक्सिमम आप लोग देख सकते हैं नॉट मोर देन सिक्स मेंबर, मतलब सिक्स मेंबर प्लस चेयरमैन, तो सात से ज्यादा नहीं हो सकते टोटल में, टोटल सात से ज्यादा नहीं हो सकते हैं और मिनिमम तीन से कम नहीं हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने चार रख दिया यहां पर, पहले मैक्सिमम थे यहां पर, अब चार कर दिया इनको, तो इसी के बारे में कोशिश की जा रही है। अब यहां पर अमेंड किया जाएगा कंपटीशन एक्ट 2002 जिसका सेक्शन 8 फर्स्ट, इसको यहां पर चेंज किया जाएगा, जिसके बेस पर यहां पर सात से चार मेंबर, यहां पर इसकी वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी कि चार मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। और हाँ, ये यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें अमेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मिनिमम, तो इसमें और बस बोल देंगे कि पहले इतने कर रहे थे अब इतने कर रहे थे, अमेंड तो तब करना पड़ता, मान लीजिए दो से कम लेके आना है इनको या फिर इनको छह मेंबर से ऊपर लेके जाना है तब अमेंड करना पड़ता। अब इसमें अमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये विद इन द लिमिट है, दो मेंबर तो छह मेंबर के बीच में होने चाहिए, तो ये क्या कर रहे हैं तीन मेंबर ले रहे हैं, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस उसको एस्टेब्लिश कर देंगे यहां तीन मेंबर को भगा दो यहां से, ओके ऐसा कुछ करेंगे। चलिए देखते हैं, अब यहां पर एस्टेब्लिश किया गया था ये यहां पर कंपटीशन एक्ट 2002 के हिसाब से, ओके तो उस टाइम पर एस्टेब्लिश किया गया था। और सीधा सीधा मतलब क्या होता है, सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कंपटीशन बना के रखना है, मतलब ये है कि मोनोपोली ना हो जाए किसी भी तरीके से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी अंग्रेजों के जमाने में, ठीक है, उस टाइम पर क्या हुआ करता था, उस कंपनी की मोनोपोली हुआ करती थी हर एक एरिया में, बस वही कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, वही कंपनी यहां पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकती थी, इसके अलावा किसी दूसरी कंपनी को अलाउ नहीं था। इस तरीके से मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। कल को ऐसा देख सकते हैं आप लोग, जियो, आज की डेट में जियो छा गया है मार्केट में, कल को क्या करे, सारी कंपनी बंद हो जाए, जियो अकेला रह जाएगा। जो कंपनी पहले, मान लीजिए यहां पर जो कंपनी यहां पर पहले जितने पैसे में हमको जितना भी यहां पर डेटा दिया करती थी, आगे पता चला जियो उससे डबल पैसे ले रहा है, क्यों, क्योंकि अकेला हो गया है, अब कोई इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है लोगों के पास में, तो इसको बोलते हैं मोनोपोली। तो हमेशा एक अच्छा कंपटीशन जो रहता है उसकी वजह से जो कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, हमारे जैसे जो सिटीजन होते हैं, उनको एक अच्छी सर्विस मिल जाती है कंपटीशन की हेल्प से, ओके। तो जो प्रॉपर वे में यहां पर स्टार्ट किया गया ये था मार्च 2009 से, यहां पर जो चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। चार एरिया रहते हैं जिनमें ये मैक्सिमम फोकस देकर चलते हैं, आप लोग देख सकते हैं क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव रहते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है कि जो कंपटीशन है वो ढंग से कंपटीशन बना रहे, किसी भी तरीके से उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े। प्रमोट करते हैं एक यहां पर सस्टेन कंपटीशन, मतलब मोनोपोली ना बन जाए, सस्टेन कंपटीशन रहे और उसके ऊपर एडवर्स इंपैक्ट न पड़े। इंटरेस्ट जो है यहां पर कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी बरकरार रहे यहां पर, ये नहीं है कि कोई आगे मनमानी कर रहा है, ओके। और इसके अलावा यहां पर जो ट्रेड रहता है उसकी फ्रीडम मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, हर एक इंसान जो भी यहां पर एंट्री करना चाहता है ट्रेड में वो एंट्री कर सकता है, मतलब ट्रेड कर सकता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है, इसका भी यहां पर देख रेख की जाती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर इसका आज के डेट में आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, ये मैंने बताया, आप लोग चेयरपर्सन या फिर हेड कौन है वो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, है भी या नहीं भी है ये भी देख लीजिएगा, चेक जरूर कीजिएगा एक बार ढंग से, इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर किशन गंगा रिवर के बारे में, ये आप लोग पहले मैप देख लीजिए, ये हो गया हमारा प्यारा इंडिया, इस वाले पोर्शन को आप लोग देखिए ढंग से, ठीक है ना, बहुत सारी रिवर आप लोग यहाँ पर नजर आ रही हुई, यहाँ पर आज का हमारा फोकस है वो है ये वाला एरिया, ये वाला आप लोगों को मैप में नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये है यहाँ पर किशन गंगा प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये लेक भी आप लोग देखते हैं, ये वुलर लेक यहाँ पर पड़ोस में ये काफी फेमस लेक है, कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। नीलम झेलम प्रोजेक्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये वाला एरिया आ गया यहाँ पर पाक ऑक्युपाइड एरिया, मतलब पाकिस्तान के द्वारा एडमिनिस्टर एरिया हो गया ये, ठीक है, ये वाला आप लोग देखते हैं और ये वाला एरिया यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा जो ग्रीन वाला एरिया है ये पाक के कंट्रोल में है। तो हम लोग जो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग देखते हैं बॉर्डर लाइन पर ये पड़ता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आखिर क्या यहाँ पर पॉइंट है जो आप लोगों के सामने है, ये है कि पाकिस्तान ने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक में पहुंच गया पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है जिसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, ये इंटरमीडिएटरी है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक हम लोगों को इंटरमीडिएटरी है वहां पर इंडस वाटर ट्रीटी में, और सबसे शानदार ट्रीटी इसको वर्ल्ड की बोली जाती है। तो यहां पर जो पाकिस्तान पहुंचा है उसने बोला है कि कम से कम यहां पर आइडिया होना चाहिए कि कितना कितना वाटर कहां पे जा रहा है, और यहां पर देखिए ये है कि इंडिया वाटर तो यूज कर सकता है पर उसके फ्लो को चेंज नहीं कर सकता है, मतलब जो पानी है वहां पर प्रॉपर वे में नीचे जाता रहना चाहिए, यानी कि हम लोग सारा पानी रोक कर वहां पर उसको डाइवर्ट कर दें, तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो पाकिस्तान क्या कह रहा है, जो किशन गंगा हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट यहां पर चल रहा है ये कहीं ना कहीं जो पानी है उसको रोकेगा थोड़ा बहुत, और कोई वाटर का जो फ्लो है उसको यहां पर किसी न किसी तरीके से हैम्पर करेगा। तो जो भी काम यहां पर इंडिया को करना चाहिए ये बोला जा रहा है कि उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि बस अपनी मनमानी हिसाब से वो चलते रहे। तो इसीलिए यहां पर वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया गया है, मीडिएटर के रूप में यहां पर काम करता है यहां पर वर्ल्ड बैंक, आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहां पर वर्ल्ड बैंक पिक्चर में आता है दोनों के बीच में, इसीलिए पाकिस्तान पहुंच गया है वर्ल्ड बैंक।
और ये फर्स्ट टाइम नहीं है पाकिस्तान यहां पर पहुंचा है, पहले भी जा चुका है किशन गंगा प्रोजेक्ट को लेकर, ये कई बार जा चुका है यहां पर किशन गंगा और रटले प्रोजेक्ट। तो जम्मू और कश्मीर में ही सारा पड़ता है, आप लोग देख सकते हैं यहां पर 5 हाइड्रो प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने है यहां पर, ठीक है। पहला हो गया यहां पर ये है, ये देखिए आप लोग कम से कम अगर आप लोगों से पूछा जाए ना ये इंपॉर्टेंट जो न्यूज में है तो हल्का सा आप लोगों को नाम ये पता होना चाहिए जरूर, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पर पाकल 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 डुल, तो ये है 1000 मेगावाट का, ठीक है। रटले ये है यहाँ पर 850 मेगावाट का, किशन गंगा ये यहाँ पर 330 मेगावाट का, जिसके जिसको लेकर अभी यहाँ पर पहुंचा है, इसको लेकर और इसको लेकर दोनों को लेकर, ठीक है। यहाँ पर है मियार ये 120 मेगावाट का, और लोअर कल नहीं ये है यहाँ पर 48 वाट का। तो टोटल मिला के ये आज की डेट में आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट है जो कि इंडन बेसिन जो कि इंडस बेसिन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसी के बारे में बार बार जिक्र किया जाता है कि इंडस वाटर जो ट्रीटी है इंडिया को उसको फॉलो करके चलना चाहिए और जो भी वहां पर बातें लिखी गई है उसके हिसाब से वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया अपनी मनमानी करेगा और जितना वाटर चाहे उतना यूज करेगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से हम लोगों का वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है ऑलरेडी। ओके, हल्का सा आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चार धाम की यात्रा कराता हूं न्यूज में, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये आप लोग देख लीजिए यहां पर, इस तरीके से भी यहां पर इसको निहार सकते हैं आप लोग अच्छे से। ये हो गया बद्रीनाथ, ये हो गया केदारनाथ, यमुनोत्री और ये हो गया यहां पर गंगोत्री। ओके, अब देख लेते हैं मैप में यहां पर आप लोग ढंग से, इस तरीके से देखिए यहां पर ये हो गया यमुनोत्री, ये हो गया गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो आप लोगों से कई बार जहां पर आकर मिलती है कई सारी रिवर, उनके मीटिंग पॉइंट भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं ये है विष्णु प्रयाग, ठीक है। तो ये है यहाँ पर धौली गंगा। ओके, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा ये अलकनंदा आ रही है, धौली गंगा यहाँ पर आकर मिल गई, ये बन गया विष्णु प्रयाग अलकनंदा। और यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा ये नंदाकिनी, ये वाला जो यहाँ पर आकर मिल गई इसको बोल दिया गया यहाँ पर नंद प्रयाग, ठीक है। फिर थोड़ा आकर चलेंगे तो यहाँ पर आके मिलेंगी ये किसमें, ये है पिंडर गंगा, पिंडर गंगा में जो आके मिलेंगे यहाँ पर इसको बोला जा रहा है करण प्रयाग, ठीक है। आगे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये मंदाकिनी, ठीक है, ये नंदाकिनी है, मंदाकिनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां से आकर यहां पर मिलेंगे और ये वाली रिवर आ गया कि इसको बोला जा रहा है रुद्रप्रयाग। ओके, नेक्स्ट आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये भागीरथी, और यहां से ये वाली रिवर आ गया कि इसको बोलेंगे यहां पर देवप्रयाग, और यहां से मेन गंगा निकल के चलती है जिसको हम लोग गंगा बोलते हैं। ओके, और ये है यहां पर यमुना जो कि यमुनोत्री से निकल के आती है। तो ये वाला आप लोगों के सामने पूरा मैप है। अब बात करते हैं आखिर न्यूज में किस लिए है, न्यूज में रहने का काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रीजन है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा, जिसको मुहूर्त भी बोला गया है, इसके द्वारा यहाँ पर एक एफिडेविट यहाँ पर अभी डाला गया है, कहाँ पर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। आखिर मैटर क्या है, मैटर ये है अगर हम लोग कोई भी 100 किलोमीटर से अबव कोई प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं तो उसके लिए इन्वायरमेंट का क्लियरेंस लेना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 100 किलोमीटर से ऊपर का कोई प्रोजेक्ट हम लोग कहीं पर इंप्लीमेंट करते हैं उसके लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो टोटल जो प्रोजेक्ट था यहाँ पर, ये क्या काम क्या किया जाता था, इनको कनेक्ट करने की बात की जा रही थी, ठीक है, यहाँ पर इनको रोड को। तो टोटल जो प्रोजेक्ट था ये 900 किलोमीटर का था, पर लेकिन इन्वायरमेंट क्लियरेंस न लेना पड़े इसको डिवाइड कर दिया गया छोटे छोटे प्रोजेक्ट में। तो सारे जो प्रोजेक्ट है वो 100 किलोमीटर से नीचे के कर दिए, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत ही ना पड़े, मतलब इन्वायरमेंट बीच में ही ना आए। अगर 100 से ऊपर जाएगा तभी इन्वायरमेंट आएगा ना, इन्वायरमेंट क्लियरेंस तभी लेना पड़ेगा ना। अगर हम प्रोजेक्ट ही 100 से नीचे के कर दे सारे, इन्वायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी को लेकर यहां पर अब जो पिक्चर है वो गड़बड़ा गई है। तो यहां पर कहीं ना कहीं मिसलीड किया गया है एक तरीके से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी, और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है उससे भी पीछे छुटाने की कोशिश की गई है। तो 900 किलोमीटर का टोटल प्रोजेक्ट है, 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है। यहां पर जो रोड है उसको चौड़ी करने की बात की जा रही है, 12 मीटर से 24 मीटर तक उसको वाइड करने की बात की जा रही है। इसके ऊपर कई सारे ब्रिज देखने को मिलेंगे, सबवे, बाईपास या फिर आप लोगों को कई सारे टनल देखने को मिलेंगे। तो टोटल मिला के सबको कनेक्ट करने के लिए यहां पर ये प्रोजेक्ट सामने है, पर लेकिन प्रोजेक्ट के लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत थी, इन्वायरमेंट क्लियरेंस को बाईपास किया गया है प्रोजेक्ट को 100 किलोमीटर से नीचे कर करके, इसलिए यहां पर ये पिक्चर में है, आज की डेट में न्यूज में है। तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये आज मैंने क्वेश्चन आज जो पढ़ाया उसी के क्वेश्चन डाले हैं यहां पर, ये जानबूझ कर डाले हैं मैंने। रीजन क्या है, रीजन इसलिए डाले हैं मैंने, अभी आप लोगों से पूछा कि कौन सी हाई पावर्ड कमेटी यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गई है, ठीक है, ताकि यहां पर जो अभी जो प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली सीबीएसई के एग्जाम कंडक्ट में, उसके लिए कौन सी कमेटी सेटअप की गई है, ठीक है। तो आप लोगों को अभी पढ़ाया तो आप लोगों के अभी आंसर भी पता होगा यहां पर, एकदम आप लोग आंसर लगा देंगे। पर लेकिन जब यही क्वेश्चन आप लोग एक हफ्ते के बाद पढ़ेंगे तो आप लोग भूल जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, रिविजन करते रहना है, ठीक है। अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा मैं डेली क्या करता था, मैक्सिमम पुराने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा करता था जो पुराने आर्टिकल पढ़ा चुका हूं। अभी ये पूछा आप लोग ढंग से आंसर बता देंगे, पर लेकिन आप लोगों को रिवाइज करते रहना क्योंकि पुराने आप लोग भूल जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो आप लोग बता दीजिए, इसके साथ में ये और
बताइए किस मिनिस्ट्री के द्वारा सेटअप की गई थी ये कमेटी, ओके की गई है। नेक्स्ट आप लोग देखते हैं यहाँ पर रूपाश्री स्कीम किस गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, कितने पैसे यहाँ पर देने की बात की जा रही है और टोटल प्रोजेक्ट कितने का है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बन गए, किसके द्वारा लॉन्च की गई है ये यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है ऑलरेडी, टोटल कॉस्ट कितनी है प्रोजेक्ट की वो आप लोगों को बताना है, और कितना बेनिफिट दिया जाएगा बेनिफिशियरी को तो ये आप लोगों को बताना है। तो तीन क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के हो गए। नेक्स्ट आप लोगों के सामने 2018 जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, इस बार की थीम क्या है ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। बैंकिंग एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, खासकर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर में भी इस तरह कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन जिनके मुझे आंसर देने थे आप लोगों से, कल क्वेश्चन पूछे थे यहां पर आपसे बात की गई है, सेवंथ मॉस्को कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी, तो MCIS 2018 इसके बारे में आप लोगों से पूछा था। तो मॉस्को में कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि पड़ता है रशिया में, यहां पर कॉन्फ्रेंस हो रही है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी को हम लोग किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, सीरिया में आप लोग देखते हैं कितनी प्रॉब्लम है, किस तरीके से उस मैटर का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जहां जहां पर भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो रही है किस तरीके से उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं और सिक्योर एरिया बना सकते हैं। इंडियन डेलीगेशन जो यहां से गया है उसका नाम, उसका जो हेड है यहां पर, ये कौन है, निर्मला सीतारमन, तो इनका नाम याद रखिएगा, डिफेंस मिनिस्टर है हमारी, इनके द्वारा हेड किया गया है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है कि हम कौन सा पोजीशन पर आ गए हैं फोन की प्रोडक्शन की यूनिट में, यह मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था, हम लोगों ने अभी रिप्लेस किया है कौन सी कंट्री को, चलिए कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए आप लोग। डिटेल में हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया था, सबसे टॉप पे चाइना है, दूसरे नंबर पे आ गया इंडिया, तीसरे नंबर पे हम लोग किसको रिप्लेस करके दूसरे नंबर पे पहुंचे हैं ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दूसरे नंबर पे आ गए हम लोग वर्ल्ड में फोन प्रोडक्शन की यूनिट में, मैंने आप लोगों को बताया था प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं हालांकि असेंबल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं उनके कई सारे प्रोडक्ट आज के डेट में हम लोग बाहर से खरीद के लाने पड़ते हैं, खासकर चिप की अगर बात हम लोग करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा इतना डेवलप नहीं है, पर फिर भी हम लोग काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं और सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं। अच्छा क्वेश्चन बनता है तो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, अगर कोई भी आप लोग देखते हैं कई बार जो पानी के जहाज होते हैं जो कई बार ऑयल वगैरह लेके आते हैं वो टूट फूट जाते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है, वहां पर ऑयल हो जाता है पूरे समुद्र में या फिर ओशन में आप लोग बोले, तो जो समुद्री जीव है कई बार वो मारे जाते हैं, तो किस तरीके से इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन है या फिर ऑयल स्पिल की जो प्रॉब्लम रहती है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, रीजनल ऑयल स्पिल कंटीजेंसी प्लान इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। MOU साइन की गई है यहाँ पर इंडिया और साउथ एशियन कॉरपोरेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसके द्वारा, तो इंडिया की साइड से कौन रोल प्ले करने वाला है यहाँ पर, यह इंडियन कोस्ट गार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, खासकर एनवायरमेंट के साथ साथ में यहाँ पर वाटर पोल्यूशन की भी बात की जा रही है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। चेन्नई में कुछ दिनों पहले आप लोगों को देखने को मिला था ऑयल स्पिल, ठीक है, और कई भी सारी आसपास वाले एरिया में कई बार और देखने को मिलते हैं, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ओके, यह है आप लोगों का पॉलिटिकल रिवीजन, जाकर करना है फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या डिफरेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि जो ये शेड्यूल है ना ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां जहां पर हम लोग पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं वहां वहां पर हम लोग ये फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल आप लोगों को नजर आते हैं। यहां पर प्रॉपर वे में पंचायती राज सिस्टम नहीं होता है इंप्लीमेंट, यहां पर टोटल जो पावर रहती है वो इन्हीं के हिसाब से, जो लोकल गवर्नमेंट है बिल्कुल गांव की पंचायत को यहां पर पावर दी जाती है, पंचायती राज सिस्टम से डिफरेंट सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, डिटेल में डिस्कस किया गया है, लिंक आप लोगों को यहां पर भी मिल जाएगा और यहां पर भी मिल जाएगा, तो आप लोग यहां पर इसको जाकर जरूर देखेगा या फिर यहां से कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया, वर्ल्ड हेल्थ डे डिस्कस किया, थीम अब की बार की एक क्वेश्चन बनता है, स्लोगन दूसरा क्वेश्चन बनता है, 17th एनिवर्सरी है तीसरा क्वेश्चन बनता है, किसके द्वारा यहां पर स्पॉन्सर किया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के, चौथा क्वेश्चन बनता है, डे का क्या है यहां पर, यह है 7th अप्रैल, ये भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा याद रखेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जाना, तीसरा गोल है यहां पर हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना यहां पर VS ओबेरॉय कमेटी के बारे में, किसके द्वारा सेटअप की गई है देखा, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया यहां पर। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर देखा रूपाश्री स्कीम के बारे में, किससे लीड है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, डिटेल में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा हम लोगों ने नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखा ये देखा हम लोगों ने NCLT के बारे में, क्या है ये, किसके द्वारा सेटअप किया गया है, कितने यहां पर किस तरीके से यहां पर और ज्यादा ब्रांच बनाने की बात की जा रही है, आखिर क्या प्रॉब्लम है, टोटल डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को चेंज करने की बात की जा रही है, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया, किस तरीके से मेंबर जो पहले 7 हुआ करते थे उनको 4 करने की बात की जा रही है, ये हम लोगों ने इसका लोगो भी देखा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा किशन गंगा प्रोजेक्ट के साथ में कई सारे और प्रोजेक्ट के नाम भी, हल्का सा आइडिया होना चाहिए अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो, कोई भी आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जाना
यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। टोटल डिटेल में जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में जाना, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी दिखाया। तो चार धाम है, इनके बारे में आप लोगों का आइडिया होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए अगर कोई आप लोगों से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो। ये था पॉलिटिकल रिवीजन, जाकर जरूर देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछे, आंसर जरूर दीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों के सामने है ये क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने आप लोगों से पूछे थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चीजों को शेयर भी कर दीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप लोगों के लिए फायदेमंद है। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, और पॉलिथीन प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ओके, और एंजॉय करो, वीकेंड है, अब रिवीजन कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।